हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे, बहुत सारे बच्चे लगातार एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजों में ऑफलाइन जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजों में ऑनलाइन लगातार देख रहे हैं। बहुत सारे यार ऐसे कोर्सेज है, ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। एंड मेरे जो है कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, जो मेरे को लगातार कॉल करते हैं रिगार्डिंग जिससे एक कोर्स होता है यार एमए का, ठीक है, एम एड ऐसे कुछ है, ठीक है। एक तो स्टूडेंट है लाइक वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो इसके लिए मैं HOD वगैरह से कांटेक्ट कर रहा था, ठीक है। स्पेशली मुझे ये बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए यार। एक PG के अंदर कोर्स होता है स्पेशली इस हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में है एम एड के लिए, तो उनका मेरे को कॉल आता है भैया इसके लिए हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, सिर्फ 2 राउंड आ रहा है, इस कोर्स की इंफॉर्मेशन आती नहीं है और सबकी आ रही है, सिर्फ इसको ही बचाते रखा है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कॉलेज वाले जो है सबके आपको कोर्स की अपडेट देंगे। आज यार मैं बात करूंगा जस्ट लाइक PG के कुछ कोर्सेज हैं एंड UG के कुछ कोर्सेज हैं, ये यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, तो इसने जो है नोटिस जारी किया है 4 नवंबर 2022 को रिगार्डिंग द सेकेंड ऑफलाइन काउंसलिंग UG एंड PG एडमिशन 2022। तो भैया ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होने वाली है और किस किस कोर्सेज में होने वाली है, कितनी तारीख को होने वाली है, राइट। तो गाइस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि मैं आपको PDF वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही जिन भी बच्चों ने हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया, जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे जो हम आपका कंप्लीट एडमिशन कराते हैं ओनली फॉर 2000 रुपीज के अंदर। आपको जो है हम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, साथ में जो आपको 24 आवर्स लाइव सपोर्ट, साथ में हर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की अपडेट आपको मिलती रहती है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किसमें अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, किसमें ओपन काउंसलिंग हो रही है। तो उन सब के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास इतनी क्वारी जाती है कि यार सभी बच्चों का कॉल उठा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप लोग जो है गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो भी आप वहाँ पर डिटेल डालते हो अपना स्कोर कार्ड वगैरह, उसको देख के जो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यार कुछ अपडेट दिया है लोगों ने, 10 नवंबर 2022 को सुबह 9:30 बजे आपको जाना है एंड संबंधित विभाग में जो भी आपका है, ठीक है, यूजी पीजी का जो भी डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपको जो है ये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और ये स्नातक पाठ्यक्रम, इन दोनों को बुला, स्नातक पाठ्यक्रम वालों को 12 को बुलाया और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वालों को 10 को बुलाया। यार स्नातकोत्तर स्नातक क्या है, हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं तो कुछ समझ आता, ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है लोगों ने। स्नातकोत्तर और स्नातक मेरे को भी गूगल करना पड़ेगा, हिंदी में लिखा है ना। ओके गाइस, तो यार ये हिंदी की भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है, यूजी पीजी जो भी है, यहाँ पे मैं आपको ये नोटिस डाल दूंगा, आप इसका हिंदी अनुवाद करते रहना। जो एक जो श्रेणी है यूजी वाली, आई थिंक स्नातकोत्तर जो वाले बच्चे होते हैं उनको 10 तारीख को बुलाया है, ठीक है, एंड 10 नवंबर को। उसके बाद ही जो स्नातक पाठ्यक्रम वाले बच्चे हैं उनको बुलाया है, उनके अंदर भी अलग अलग डिवाइडेशन है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है यानी कि जनरल बच्चे हैं, PWD है और डिफेंस वाले हैं, उनको बुलाया है 9:30 बजे, ठीक है, 12 तारीख को। उसके बाद जो SC ST PWD OBC EWS डिफेंस वालों को बुलाया है 13 तारीख को, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो बच्चे हैं स्नातकोत्तर वालों के अंदर, स्नातकोत्तर वालों में 9:30 से 1:30 बजे तक यानी कि 1:30 बजे तक जो जनरल PWD डिफेंस को बुलाया, उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है SC ST OBC EWS PWD और डिफेंस वालों को बुलाया। इस प्रकार से जो आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट की जाएगी, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे UG एंड PG की बहुत सारे कार्यक्रम के अंदर आपकी जो सेकेंड ऑफलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान से सुनो बच्चों, UG PG की काउंसलिंग सेकेंड स्टार्ट हो चुकी है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंदर, 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है। तो सारे के सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट एंड फीस लेके यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर से पधार ले और अपना जो है एडमिशन ले ले, ठीक है। इसके बाद जो है एक नोटिस और आर का, आपकी जो 6 तारीख तक लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें। जिन भी लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है
वो जरूर से अपना यार पेमेंट जरूर से कर दे। आपका जो सिलेक्शन हो गया है, तो जिन भी बच्चों का हो गया है उनको बहुत बहुत मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ये थी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। और भी आप लोगों की कोई क्वारीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन भी लोगों ने अभी पेड काउंसलिंग प्लान में एनरोल नहीं किया है वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।